जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, एक एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास है लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, एक सेट ए हमें गिवन है। विच ऑर्डर पेयर्स आर इन द रिलेशन आर इफ आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको एक सेट ए गिवन है, आप बताएं आपने उसका रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमने इनके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, उसके बाद हम उन ऑर्डर्ड पेयर्स को पिक करेंगे जो रिलेशन के साथ मैच करते होंगे। तो आपको तो पता है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए यू मस्ट हैव टू सेट्स, एक ए सेट होना चाहिए और एक बी सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ए ही सेट गिवन है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने इसी को दोबारा से लिख के अपने साथ ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक और सेट गिवन नहीं है इसलिए हम इसी के साथ ही ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर वन ये है कि हमें सबसे पहले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, and 2, 4. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, and 4, 4. ये सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। सबसे पहला स्टेप ये था कि आपके पास सारे के सारे ए क्रॉस ए ऑर्डर पेयर का सेट होना चाहिए। अब रिलेशन को हम रीड करते हैं, वो कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन आर सेट बनाओ जिसमें ऑर्डर पेयर्स हो, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर हो, सच दैट ए डिवाइड्स बी। ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें से पिक करो जिसमें ए डिवाइड कर रहा हो बी को, ए बी को डिवाइड करना चाहिए। अगर ए बी को डिवाइड नहीं कर सकता तो उस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले यहीं से मैं आपको टिक करके बता देती हूँ, 1, 1 को डिवाइड करते हैं, 1 इज द डिवाइडर ऑफ एवरी नंबर, 1, 1 को भी डिवाइड करते हैं, 1, 2 को भी डिवाइड करते हैं, 1, 3 को भी डिवाइड करते हैं, 1, 4 को भी डिवाइड करते हैं। आपने सिर्फ करें ए डिवाइड करिए, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। 2, 1 को डिवाइड नहीं करता, 2, 2 को डिवाइड करता है, 2, 3 को डिवाइड नहीं करता, 2, 4 को डिवाइड करता है, 3, 1, no, 3, 2, no, 3, 3, yes, 3, 4 को डिवाइड नहीं करता। फुल फ्लैट डिग्री होनी चाहिए, डेसिमल में आंसर ना हो वो वाला पिक करें। 4, 1 को नहीं करता, 4, 2 को नहीं करता, 4, 3 को नहीं करता और 4, 4 को डिवाइड नहीं करता। तो रिलेशन में हमारे पास आप बनाते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। 2 में से जो आए हमारे पास वो है 2, 2 and 2, 4, 3 में से सिर्फ 3, 3 और 4 में से हमारे पास सिर्फ 4, 4। तो ये हमारे पास रिलेशन, ऐसे की एग्जांपल्स होंगी कि हमें रिलेशन या तो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन होगा या इंग्लिश फॉर्म में गिवन होगा, हमने उसके ऑर्डर पेयर्स के ऊपर अप्लाई करके इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, उसमें से ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं और यहाँ पे एक नया सेट आर बनेगा। तो वो हमारे पास कहलाएगा कि ये हमारे पास रिलेशन है। आई होप कि आपको छोटी सी एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम और एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल 2 आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।